दिस वीडियो वी विल स्पेंड आवर फुल डे इन ओनली 1000 रुपीज। इस वीडियो में हमने खाए अमृतसरी दही बल्ले। अपने इस एक्सपीरियंस में हमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जलेबी देखी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी एक और वीडियो आ गई है आपकी स्क्रीन पे। इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल या टाइटल से पढ़ लिया होगा और आप इंशाल्लाह बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिकली हमारे पास 1000 रुपीज का नोट नहीं था, हमारे पास 500 का नोट था। अभी हमने एटीएम जाना, वहां से 1000 रुपीज निकालने हैं। सो हमने यहाँ पे 500 दिए हैं भाई को और उसमें से हमें वापस मिल गए हैं 400, और ये 100 रुपीज हमारे 1000 में से लेस हो गए। हमारे पास रह गए हैं 900। लेट्स सी 900 में हम क्या क्या कर पाते हैं। यहाँ पे ओरिएंट ट्रेन पे हम पहुंचे हैं रिक्शा करवा के घर से, ओरिएंट लाइन ट्रेन स्टेशन पे। सो यहाँ पे हमने 50 रुपीज दे के लक्ष्मी चौक की टिकट्स ले ली हैं अपनी, और अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 850 रुपीज। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हमने ये स्कैन कर ली है अपनी टिकट्स, लिफ्ट में खड़े होकर हम जाएंगे प्लेटफॉर्म की तरफ। वहां पे ऑब्वियसली ट्रेन आएगी, लेकिन जब तक हम प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचे तब तक ट्रेन एक जा चुकी थी और दूसरी ट्रेन आने में 7 to 8 मिनट्स थे। फिर हमें वहां पे तकरीबन वेट करना पड़ा काफी टाइम। फिर ट्रेन आई हमारी और ये थी हमारी लुक्स। मामा ने येलो कलर का एक फ्रॉक पहना था, मैंने ये ब्लू एंड ग्रे के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन करके अपने कपड़ों का स्टाइल किया था सारा। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। 5 ईयर्स हो चुके हैं इस ट्रेन को बने हुए, लेकिन लगता नहीं अभी भी देख के ये 5 ईयर्स पुरानी ट्रेन है। बहरहाल जी, हम अपने सफर की तरफ रवाना होने वाले हैं। ये ट्रेन से कुछ मनाजिर आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही हसीन लग रहे थे। थोड़ी सी फोग है ऑब्वियसली, स्मोक भी आप कह सकते हैं। ट्रीज नजर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से व्यूज हैं। हमारे सामने से ट्रेन भी गुजर रही हैं और साथ में ये इनकी लिस्ट है पूरी ओरिएंट लाइन ट्रेन स्टेशन की, और यहाँ पे आपको पता चलता रहता है कि आप किस स्टेशन पे पहुंच गए हैं। जोन सा स्टेशन आता है ऑब्वियसली डोर खुलता है और आप उतर जाते हैं। हमारा भी स्टेशन नहीं आया था तो हम ऑब्वियसली ट्रेन के अंदर ही हैं, और फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम हमारे साथ ये भी हुआ है कि ट्रेन में हमें खड़े होकर जाना पड़ा है। अगेन ट्रेन गुजर रही है, क्योंकि दो तरफ ये ट्रेन चल रही होती है। पता नहीं अब ये एक ही ट्रेन है जो मुड़ के वापिस आती है या पता नहीं क्या सीन है। अगर आपको कोई आइडिया है तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। बहरहाल जी, हम अपने स्टेशन पर उतर गए हैं लक्ष्मी स्टेशन के ऊपर। प्लेटफॉर्म से हम लिफ्ट में जा रहे हैं टिकट हॉल की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्लेटफॉर्म से एग्जिट नहीं कर सकते, टिकट हॉल से ही एग्जिट है। एग्जिट के बाद आपको अगेन ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से आप बाहर ऑब्वियसली रोड पे निकलते हैं। हम रोड पे आ चुके हैं एंड यहाँ से हम करवाएंगे रिक्शा या चांद गाड़ी, और रिक्शा या चांद गाड़ी में ऑब्वियसली बैठ कर हम अपने अमृतसरी दही बल्ले खाने जाएंगे। और यहाँ पे हमें मिल गई थी लिफ्ट फ्री में। हमें यहाँ तक तो नहीं पता था कि ये भाई हमें फ्री में छोड़ देंगे। हम जब पैसे देने लगे तो उन्होंने कहा आपका डिस्टेंस बहुत कम था स्टेशन से अमृतसरी दही बल्ले तक, सो उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। और मैं मामा को हैरान होकर देख रही थी कि सच्ची में ये सच बोल रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे नहीं लेने, क्योंकि आजकल के दौर में कोई ऐसे नहीं है लोग जो आपसे पैसे ही ना लें, बेशक जितना मर्जी छोटा डिस्टेंस हो। यहाँ पे हमने देखी बहुत ही बड़ी सी जलेबी। जलेबी लवर्स को तो जलेबी का पता होगा, लेकिन जो जलेबी लवर्स नहीं है उनको भी आई फील पता होगा। अमृतसरी दही बल्ले पे हम पहुंच गए हैं और देख के ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखते हैं हम यहाँ से क्या क्या चीजें इनकी ट्राई करते हैं। इनके पास काफी सारा मेन्यू है और कुछ चीजें इनके पास ऑब्वियसली मेन्यू के अंदर से अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि आइसक्रीम चाट। मैंने आते ही इनसे पूछा कि वो स्पेशल है, उसका क्या सीन है। सो उन्होंने कहा वो तो ऑर्डर पे बनती है, वो स्पेशल ही आप ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कुछ और चीजें ट्राई की थी। हमने सोचा पहले बैठ के आराम सुकून से इनका देखते हैं क्या सीन है इनके मेन्यू का और इनकी चीजों का, क्या इनके प्राइसेस हैं, आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। पूरा मेन्यू भी हमने दिखाया तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। ये बहुत ही खूबसूरत लुक लग रही थी इनकी क्रीम चाट की, साथ में ये इनके क्रीमी दही बल्ले। ये मुझे कह रहे थे कि ये हमारे बहुत ज्यादा फेमस है। सो यहाँ पे हम आकर बैठ गए हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं, रिव्यू भी देते हैं। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज कि जेजी ने क्या पहना था। जेजी ने ग्रे कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट पहना था। जेजी ने ग्रे कलर की पैंट्स पहनी थी, ब्लैक कलर के शूज, और ये इसने एक शर्ट पहनी थी जिससे हमें कुछ पुरानी यादें वापस आ गई। सो ये है जी इनका अमृतसरी दही बल्लों का मेन्यू। पूरा इनका मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्राइसेस भी ऑब्वियसली। और यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं, वो भी दही बल्ले इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा क्या क्या है बताइएगा? ये दही बल्ले है, फ्रूट चाट है, क्रीम चाट है, क्रीम बल्ले, आलू चने, और आइसक्रीम चाट है। वो ऑर्डर पे तैयार होती है, अभी नहीं, अभी नहीं है। अच्छा आप ऐसे करें, क्रीम बल्ले ले आए फी प्याला, एक प्याला ना, और वो पहले चेक करेंगे फिर दूसरी चीज ऑर्डर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
एक क्रीम। यहाँ पे जी हमारे रेडी होने वाले हैं दही बल्ले, क्रीमी दही बल्ले इनके स्पेशल हैं। ये इन्होंने ऐड किए बाउल के अंदर मिट्टी के बर्तन में, और ये ऊपर से कोई इनका स्पेशल मसाला आई फिर, और इसके ऊपर आ रही है ये क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। अशरफी मुरब्बा, ओके थैंक यू। वाह टिश्यू भी नहीं आया। पहले मैं टेस्ट करें, रिव्यू दें। How is it? Is it worth? मतलब जो चटपटा टाइप ऑफ, यानी वो जो मीठा थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आ रहा है। How is it? Very different. Very different. मेरा माइक लगा हुआ है। Very different. Just not like common dahi bhallas. Really very very delicious. Oh, light up jalai. चलो मैं ये ना मुरब्बे के साथ, अशरफी मुरब्बे के साथ ट्राई करती हूँ। वेरी डिफरेंट, आई लाइक इट, डिफरेंट है फ्लेवर। आपने भी खाना है? ये नॉर्मल दही भल्लो जैसे नहीं है, हल्के से स्वीट, एकदम आपको स्पाइसी किक आता है, सो आई लव इट। थम्स अप, थम्स अप, यहाँ थम्स अप अशरफी मुरब्बा। तो वो मोस्टली मैंने देखा है क्रीम चाट के ऊपर डाला होता है, लेकिन इन्होंने दही वाला बना दिया है, ट्राई करते हैं। बहुत मजे के हैं, बहुत ही डिफरेंट, और मेरा ख्याल है अमृतसर में ऐसे खाए जाते हैं, बहुत ही मजे के। आई लव इट। कुछ और अच्छा जी, ये स्पेशल है, पहले यहाँ बताते हैं कि ये हमारे स्पेशल है। दोनों स्पेशल है, दोनों है। ये ज्यादा फेमस बहुत है, ये ज्यादा फेमस है। ये ना बहुत डिफरेंट है, पता है क्या, हमने ऐसे कभी खाए नहीं, पहली दफा लाइफ में खाए हैं। बहुत, ये अमृतसरी, ये इंडियन है, कराची के किधर, इंडियन है नहीं? हम हमारा पूछ रहे हैं, हम बेसिक सियालकोट से हैं, बेसिक सियालकोट से, रहाइश लाहौर में है 5 साल से, लेकिन है सियालकोट से। अब ये ट्राई करते हैं। नहीं, ये अमृतसर में पूछ रही थी, ये इंडियन है? हाँ इंडियन है, इंडियन फूड है ये। मेरा ख्याल है वहाँ का कोई शहर है ना। ये लग रहा है, ये ज्यादा मजे के लग रहे हैं। हां ये जैसे ये हम खाते हैं ना, थोड़े नॉन मीठा कर लेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़ा उन्होंने क्रीम चाट वाला टच ऐड किया हुआ है, आई फील क्रीम चाट के अंदर जैसे क्रीम और चीनी मिक्स करके फोक भी दीजिएगा दो वैसा फ्लेवर है। दिस वन इज अच्छा सियालकोट और हो गए दरमियान में। हाउ इज इट? बहुत मजे, ये ज्यादा मजे के हैं वो, मतलब अगर थोड़ा स्वीटी जो पसंद करते हो और डिफरेंट कुछ डिफरेंट। मुझे इसके भल्ले काफी ज्यादा सॉफ्ट लगे हैं। लेट्स ट्राई दिस वन एंड इसका रिव्यू देते हैं। ओ एक सेकंड, ओ ओ ओ ओ, ये टिश्यू दे दे दें जरा, टिश्यू। एक और बाइट लेते हैं, फिर अच्छे से फ्लेवर आए। मुझे ये ज्यादा अच्छे लगे, दिस वन ये ज्यादा स्पाइसी है अकॉर्डिंग। थोड़े से खाओ ना ये। ओह माय गॉड, वो टिश्यू आए। थैंक, ग्लास भी एक दीजिएगा। ठंडी अगेन आई फील, मुझे ट्राई करने चाहिए, मुझे काफी ज्यादा स्पाइसी लगे। स्पाइसी नहीं है? नहीं इतने नहीं, यहाँ हमने ऊपर ऊपर से ट्राई की है। अगर मिक्स करें ना अंदर, इन्होंने काफी ज्यादा वो चाट मसाला था, स्पाइसी है ये मुझे ज्यादा अच्छे लगे। बहुत मजे के अंदर, चलो आप खाओ फिर, आपको अच्छे लग रहे हैं, तुम भी खाओ ना। भल्ले काफी ज्यादा सॉफ्ट है, नोटिस किया? Gracias.
ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे लगता है इसके अंदर अगर ये वो ऐड कर लेना पापड़ी नहीं मुझे लगता है पापड़ी 20 रुपए की डलवानी है डलवा लो उन्होंने तो कहा डलवा लो वो तो वैसे इनका फूल मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे हमने अपने दही भल्ले एंड पापड़ी भल्ले एंजॉय कर लिए हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आया आपके साथ ना अभी शेयर करते हैं फुल इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ताकि अगर आपने आना तो आपको मुश्किल ना हो जैसे हमें थोड़ी मुश्किल हुई है बट इतना मुश्किल नहीं लगा पहुंच ही गए हैं आप यहाँ पे इर्द गिर्द पूछ के पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी मैं ना आपको एग्जैक्ट लोकेशन देना चाहूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी मसला ना हो रिटन रोड लक्ष्मी चौक अमर तसरी दही भल्ले वाले फ्रेंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हमारे लिए आई है फ्रूट चाट और इसको भी ट्राई करते हैं और इसका भी आपको रिव्यू दे देते हैं कि ये कैसी है एंड मामा पहले देंगी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी एम्बियंस वाज वेरी 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 बनाना इसको ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कि इनकी फ्रूट चाट कैसी है इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हुई आई फील लाइक ये पपाया ऊपर टेस्ट करते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं यम्मी फ्रूट चाट को मैं दूंगी 9 एंड पापड़ी चाट को मैं दूंगी 7 और क्रीम भल्ले को मैं 8 दूंगी 8.5 यू कैन से एंड मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगी है थम्स अप क्योंकि ये फ्री में है यहाँ पे बिल हमारा आ गया था हमारा बिल बना था 520 850 में से 520 हमने बिल दे दिया 330 रह गए और 100 रुपीज हमने इनको टिप दे दी थी भाई को बहुत ही अच्छे भाई थे सो हमारे पास देन अमाउंट रह गई थी 230 रुपीज बहुत बहुत मजा आया सबसे ज्यादा जैसे इन्होंने ट्रीट किया बहुत मजे का था सारा इस तरफ ले जाओ It was so good, so fresh, so yummy, very, very delicious. Must try again. 230 में से 20 के हमने बाई कर लिए जेजी के लिए चने तो देन हमारे पास रह गए थे 210 देन जिब्रील को नजर आ गया था घोड़ा जेजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए और ये जीपीओ स्टेशन पे हम मौजूद थे यहाँ से ऑब्वियसली अब हमें अगेन टिकट बाय करनी है और जीपीओ स्टेशन से जो हमारे घर का स्टेशन है यानी हमारे घर के करीब वाला इसकी टिकट भी हमें 50 रुपीज में ही मिली थी यानी मामा और मेरी टिकट 25 की पर पर्सन की टिकट है सो 160 हमारे पास रह गए हैं ये हमारे टोकन हमें मिल गए हैं ट्रेन के अंदर हम एंटर हो रहे हैं अगेन ट्रेन में जगह नहीं थी हमें खड़े होकर जाना पड़ा देन ट्रेन ने हमें हमारे स्टेशन पे उतार दिया था यहाँ पे जेजी को कैटो नजर आ गई पहले एक कैटो नजर आई फिर बाहर 2 कैटो और नजर आ गए एनिमल्स जेजी को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इवन वो डायनासोर हो कैट हो डॉग हो कोई भी एनिमल हो या वो चिकन हो यानी कैट चले गई कैट को हमने बाय बाय किया एंड यहाँ पे टोकन हमें ऑब्वियसली वापस देने होते हैं उनको जेजी को ये इतने अट्रैक्ट करते हैं जेजी उनको वापस ही नहीं दे रहा था फिर मामा ने जेजी को समझाया कि ये अगर वापस करेंगे फिर ही हम बाहर जा सकते हैं तो देन उसने अंकल को दे दिए थे अब हम फाइनली जा सकते हैं टिकट हॉल से ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए हमने चूज किया कि हम लिफ्ट से जाते हैं क्योंकि मोस्टली पीपल एक्सीलेटर से जा रहे होते हैं और वहां पे काफी ज्यादा रश होता है इस टाइम सो हम यहाँ पे बाहर निकल आए हैं लिफ्ट से एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे रिक्शा वाले भाई को किसी क्योंकि उनसे पैसे डन करेंगे देखेंगे कि कितने पैसे हमारे पास बचे हैं क्योंकि वो भी हमने स्पेंड करने हैं हमने बात कर ली थी उन्होंने कहा 100 रुपीज मैं आपसे लूंगा देन हमारे पास बच गए थे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज तो उससे हमने बाय कर लिए जेजी के फेवरेट बनानास सो बनानास हमने बाय किए एंड हमारे 1000 रुपीज बिल्कुल ही खत्म हो गए
और ऐसे हमने 1000 रुपीज स्पेंड किए। देन हमने रास्ते में खाए बनाना और काफी ज्यादा एंजॉय किया हमने 1000 रुपीज में पूरा दिन गुजार किया। आपको ये 1000 में पूरा दिन गुजारने वाली वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज कॉमेंट जरूर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।